बेरोजगारी के लिए कौन सा कदम उठा रही है? सीबीआई का ये मानना है कि जब हम संसाधनों के बंटवारे के लिए जो भारत की संपदा है, नैसर्गिक संपदा, भौतिक संपदा, अधोभौतिक संपदा, इन सब संपदाओं के बंटवारे के लिए समुचित वितरण के लिए तार्किक और युक्तिपूर्ण वितरण अगर हम सुनिश्चित कर दें तो हर व्यक्ति के पास में क्रय शक्ति युक्त रोजगार उसके पास में आ जाएगा और एक व्यक्ति जो व्यय करेगा उसे दूसरे व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। अभी क्या है कि हम लोग देखते हैं कि बाजार में सामान भरा पड़ा हुआ है, शोरूम में हर तरह की चीजें करोड़ों अरबों की कारों से लेकर के सोना से लेकर के सब्जी तक बाजारों में भरा पड़ा है, परंतु उसके खरीदार नहीं है। हमारे दुकानदार भाई कहते हैं आजकल धंधा बहुत मंदा चल रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के जेब में पैसा है जो उस पैसे से केवल उत्पादन तो कर रहे हैं लेकिन जो उपभोक्ता है उसके जेब में पैसे नहीं है। अगर इन संसाधनों का हम उचित रूप से बंटवारा करें तो प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में इतना पैसा जरूर हो सकता है कि वो बाजार में जाकर के अपने मूलभूत आवश्यकताओं की चीजों की खरीदारी करे और उस खरीदारी से बाजार में रोजगार बढ़ेगा। जब रोजगार बढ़ेगा बाजार में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड के ऊपर जो उत्पादक हैं वो उत्पादन करने की सोचेंगे, उत्पादन के लिए वो मजदूर को हायर करेंगे, इंजीनियर को हायर करेंगे, अन्य प्रकार के टेक्नीशियन को हायर करेंगे, सबको रोजगार मिलेगा, सबको काम मिलेगा। इस प्रकार से जो ये बेरोजगारी के साथ साथ में महंगाई और मंदी इन दोनों तीनों चीजों का सामूहिक रूप से खात्मा किया जा सकता है। पीबीआई का मानना है कि अगर हम संसाधनों का उचित बंटवारा, तर्कपूर्ण प्रगतिशील बंटवारा करें तो बेरोजगारी खत्म की जा सकती है।